माइनस बीटा इक्वल टू एम एक्स माइनस अल्फा, और नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो वाई माइनस बीटा इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स माइनस अल्फा। ये टेंजेंट लिख सकते हो, ये नॉर्मल लिख सकते हो। ये अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा ही स्लोप हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। टीएम यहां पे है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। इस ट्रेंगल में टेन थीटा जो है वो बीटा बाई टीएम होगा, तो टीएम की वैल्यू बीटा बाई टेन थीटा मतलब डीवाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। ज्यादा से ज्यादा इसका मॉड ले लेना क्योंकि लेंथ चाहिए आपको। तो जनरल फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई डीवाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। ये फॉर्मूला हो गया उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई डीवाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। सिमिलरली जहां ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जहां नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट करता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं एम एन को कहते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होने से ये थीटा हो जाता है। इस ट्रेंगल में टेन थीटा अप्लाई करोगे तो ये आएगा एम एन बाई बीटा, तो एम एन हो जाता है बीटा इंटू टेन थीटा मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। लेंथ है तो ज्यादा से ज्यादा मॉड चाहिए, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इनटू डीवाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। तो ये लेंथ आपको पता चल गया, ये लेंथ पता है तो ये भी लेंथ निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ये लेंथ आपको पता है, ये आपको पता है तो ये भी निकाल सकते हो। जनरली इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं और यहां से लेके यहां तक को लेंथ ऑफ नॉर्मल कहते हैं। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लिखने आना चाहिए, नॉर्मल लिखने आना चाहिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट समझ में आना चाहिए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल समझ में आना चाहिए। बस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट में याद रखना वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का मॉड, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जैसे पीटी का लेंथ निकालना है तो आप निकाल सकते हो रूट अंडर ये वाला हाइट इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और ये वाला आपके पास है वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर। अगर आपको पीएन का लेंथ चाहिए, देखो ये है वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये है इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, तो ये हम लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इन्हीं सब की जरूरत पड़ती है ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने आना चाहिए, टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये सब पता होना चाहिए। तो सारा चीज यहां से निकल जाएगा बच्चे, समझ में आया? बोलो बच्चे। अरुण, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे बच्चे।
इस पे हम लोग देखेंगे दो तीन क्वेश्चन, फिर वर्ड प्रॉब्लम की भी बात करेंगे। चलो हम सब्जेक्टिव में क्वेश्चन लेते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन ये लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सब्जेक्टिव का। ए कर्व सी पासेस थ्रू 2,0 और स्लोप दिया हुआ है, स्लोप एट x,y ये दिया हुआ है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व और एरिया इनक्लोज बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आ जाओ, पहले स्लोप दिया हुआ है dy बाय dx, ये दिया हुआ x प्लस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन है, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो dy बाय dx माइनस y माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन इज इक्वल टू x प्लस वन लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए y माइनस थ्री का नाम z दे देते हैं, तो यहां से dy by dx हो जाएगा dz by dx, तो ये हो गया dz by dx माइनस ये 1 अपॉन x प्लस 1 है इंटू z है अपॉन इज इक्वल टू x प्लस 1 है। ध्यान से देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया बच्चे। ये z यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ये p और q उसी का फंक्शन है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस दिस dx, तो e का पावर माइनस ऑफ log x प्लस वन, तो यहां से ये यहां आ गया तो ये x प्लस वन हो जाएगा, वन अपॉन x प्लस वन आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। जेड हमने माना था y माइनस थ्री को, y माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन इज इक्वल टू ये x प्लस सी आ जाएगा। कर पास कर रहा 2,0 से, सेटिस्फाई करेगा ये 0, यहाँ पे 2 लिखोगे x की जगह 2 प्लस सी, तो c की वैल्यू ये माइनस वन और ये 2 इधर आके माइनस थ्री हो गया, तो हमारे पास y माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन इज इक्वल टू x माइनस थ्री आया। और y इज इक्वल टू 3 प्लस x माइनस थ्री एक्स प्लस वन आ गया बच्चे। यहां तक देखो कैलकुलेशन ठीक है, बोलो बच्चे। ये एक्स स्क्वायर है, माइनस टू एक्स है और प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो गया, तो ये कर्व आ गया, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का कर्व आ गया। y इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये अपवर्ड पैराबोला है बच्चे, ये x एक्सिस को 0 और 2 पे कट करेगा, ये ऐसा करके कर्व आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, उसके बाद फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड x एक्सिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना, इस कर्व को इंटीग्रेट कर देना है 0 से 2 तक,
जीरो से टू तक जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है, तो आगे माइनस लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यही रिक्वायर्ड एरिया होगा बच्चे। समझ में आया? यस सर। मतलब यहाँ पे कर्व निकाल के एरिया की बात करनी थी और यहाँ पे सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया था बच्चे। तो dy by dx किसी पॉइंट पे दिया रहेगा तो आप इस तरह से वर्क कर सकते हो, है ना? ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 है, आप ट्राई कर लेना। d सेक्शन का 5 dy by dx दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ कर्व की बात हो रही है। यहाँ पे कर्व 2,0 से पास कर रहा, वहां पे कर्व 1,π/6 से पास कर रहा। देखिए लो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। डी सेक्शन का 5, एक कर्व पासिंग थ्रू 1,π/6 है एंड स्लोप ऑफ द कर्व एट इच पॉइंट, स्लोप dy by dx दिया हुआ है y by x plus sec y by x, जहां पे x पॉजिटिव है। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि y by x जो है रिपीटेड है, इसको इधर लाओगे तो लीनियर डिफरेंशियल बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे y by x होगा। तो इसको बनाने के लिए y by x को कुछ मान लो, तो y by x को हमने v मान लिया, मतलब y को vx मान लिया, तो यहां से dy by dx हो जाएगा v plus x dv by dx। तो dy by dx की जगह लिख सकते हो v plus x dv by dx, y by x v हो गया और ये बन गया sec v बन गया। v और v कैंसिल हो जाएगा बच्चे, वेरिएबल सेपरेट कर लो, dv by sec v इज इक्वल टू dx by x आ गया, ये cos v dv इज इक्वल टू dx by x आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो बच्चे, तो इसका इंटीग्रेशन में साइन v आएगा, इसमें log x आएगा, प्लस c आएगा। कर पास कर रहा π/6,1 से। अच्छा, v आपका जो है y by x है, तो ऐसे लिख लिया, x 1 है तो ये π/6 है, साइन π/6 हाफ हो गया, log 1 जीरो हो गया, तो यहां से c की वैल्यू हाफ आ गई, तो हमारे पास साइन y by x इज इक्वल टू log x प्लस, ये हाफ हो गया, ये इसका सॉल्यूशन आ गया बच्चे। यहां पे भी dy by dx था लेकिन y by x रिपीट कर रहा था, तो y by x को हम v मान के बना लिए। अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल, जो समझाया उसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 सब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 11 सब्जेक्टिव, इसमें कह रहा इफ लेंथ ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट एंड x एक्सिस इज ऑफ लेंथ 1। ध्यान से देखिएगा, ये कोई कर्व है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट एंड x एक्सिस, यहाँ पे जो टेंजेंट बनाते हो ना, तो इसके और इसके बीच में जो लेंथ दिया हुआ वो 1 दिया हुआ है, PT इज 1,
फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन निकालनी है। चलो इसका नाम अभी फिलहाल कैपिटल एक्स, इसका नाम कैपिटल वाई दे दो, और ये जो पॉइंट है स्मॉल एक्स वाई ले लेते हैं। इस कर्व पे पॉइंट, ये कर्व है ना वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो हमने इस कर्व पे पॉइंट ले लिया। टेंजेंट की इक्वेशन, हमको एक्चुअली ये दोनों पॉइंट चाहिए तभी डिस्टेंस फार्मूला से वन लिखेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन होगी कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। पॉइंट स्लो फॉर्म, कोऑर्डिनेट एक्सिस है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ऐसे लिख लिया बच्चे। थोड़ी देर के लिए इसका नाम एम ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा कैपिटल वाई जीरो होगा, स्मॉल वाई नहीं जीरो होगा, कैपिटल वाई जीरो होगा। तो यहां से आ जाएगा ये एक्स माइनस वाई बाई एम। समझ में आया यशस्वी? यस सर। यहां से लेके यहां तक का लेंथ वन है बेटा, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करो। डिस्टेंस फार्मूला से एज पी टी इज वन, डिस्टेंस फार्मूला से हो गया दिस, ये वाला आ गया एक्स माइनस वाई बाई एम कॉमा जीरो है, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई बाई एम का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ गया, और वाई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, और वाई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर हो गया वन माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, और एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर। तो एम मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस माइनस वाई अपॉन रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। बोलो बच्चे, होगा? अब सिंपल से ये लीनियर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर रहे हैं। अब आसानी से आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करके बना सकते हो। इसको बनाने के लिए y को साइन थीटा पुट करके बना देना बच्चे, ये अलग से इंटीग्रेट कर लो, और इसका तो x आ जाएगा प्लस c। फॉर दिस y को साइन थीटा करके बना सकते हो बच्चे। समझ में आया? अमोद, अमोद आयुष, यस सर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हम ये कह रहे थे कि ये जो इंटीग्रेशन बनाना है बच्चे, y को अगर साइन थीटा पुट कर दोगे तो dy हो जाएगा cos थीटा d थीटा। ये साइन थीटा पुट करने से ऊपर cos थीटा आ जाएगा, नीचे साइन थीटा, और dy की जगह cos थीटा d थीटा हो जाएगा। तो ऊपर में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है,
उसको करके आप लिख सकते हो। कर लोगे? सेकंड क्वेश्चन इस पे लेते हैं, ई सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बच्चे। ए कर पासिंग थ्रू 1,1 हैज द प्रॉपर्टी दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी। मान लो ये कर्व है, ये कर्व पास कर रहा 1,1 से, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी। जैसे ये पी पे आप नॉर्मल बनाते हो, तो ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जैसे पी को मान लो कि एक्स कॉमा वाई मान लिए, तो इसका जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वाई वो इसके बराबर है बच्चे। तो डिटरमिन इक्वेशन ऑफ कर्व, सी निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि कर्व पास कर रहा 1,1 से, ये वाला इसके वाई के बराबर है। अब ज्यादा से ज्यादा वाई का मॉड कर सकते हो क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो बच्चे पहले, ये कैपिटल एक्स ये कैपिटल वाई। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लिया वाई माइनस स्मॉल वाई, यहां पे स्लोप माइनस 1/m, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, जहां पे m का मतलब है dy/dx। तो ये आ जाएगा m कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई माइनस कैपिटल एक्स प्लस एक्स और एम वाई प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करो, ये नॉर्मल की आपने इक्वेशन लिख लिया, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस लिखो बच्चे। तो ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालोगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जगह 0,0 रख दोगे, तो इसका मॉड डिवाइड बाई रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये वाई के बराबर है, मतलब वाई के मॉड के बराबर है। हमारे पास ये रिलेशन हो गया, यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया बच्चे। स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस। सर ये एम, सर ये एम के साथ जो प्रोडक्ट किया आपने, इसमें y के साथ m आना चाहिए। हाँ हाँ, सॉरी, ये एम वाई हो गया माइनस इतना। हाँ हाँ, माई मिस्टेक, ये हो गया। अब ठीक है ना, तो x माइनस एम वाई का मॉड, अब ठीक है। यस सर, इसको ओपन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xym इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करे प्रीतम, कुछ कट रहा? ये कट रहा ना, इसको कब कट करोगे बच्चे? यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है, ये जैसे आप कैंसिल करते हो इसका मतलब m को फाइनाइट मान के चल रहे हो। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती कि m इनफाइनाइट हो जाए, मतलब dy/dx इनफाइनाइट हो जाए, अनडिफाइन हो जाए, मतलब dx/dy 0 हो जाए, यानी x कांस्टेंट हो जाए, और कर पास कर रहा 1,1 से, तो ये x इक्वल टू c की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चे?
इस बात को समझना होगा, अगर कर्व हमने ये ले लिया x इक्वल टू वन लाइन ले लिया, तो देखो ये 1,1 से पास कर रहा है, इसके किसी भी पॉइंट पे मान लो x, y पे अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस होगा और इस पॉइंट का जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, होगा ना? कोई बोल नहीं रहा? प्रीतम? यस सर। यस सर। तो जनरली ये कर्व लोग छोड़ देता है, एक कर्व ये भी हो सकता है x इक्वल टू वन, वो क्या करता है इसको कैंसिल करके बना लेता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। यहाँ पे आपने m को कट किया, m स्लोप है बच्चे, m को फाइनाइट मानते हुए आपने कैंसिल किया है, ठीक है? अब जरा m फाइनाइट होगा तो देखो क्या आ जाता है, तो हमारे पास कर्व बन गया 2xym is equal to y square minus x square। और 2xy dy by dx is equal to y square minus x square। अब यहां के पास दो मेथड है, एक तो आप ऐसे करते हो dy by dx है y square minus x square upon 2xy, इसको होमोजीनियस फॉर्म से बना लेते हो बच्चे, होमोजीनियस है तो पुट y equal to vx पुट करके बना सकते हो। दूसरा तरीका है रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या करेंगे y square को z मान लेंगे, इस y square को, तो देखो 2y dy, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 2y dy by dx is equal to dz by dx आएगा, तो ये बन गया x dz by dx, y स्क्वायर को z माना है तो माइनस z is equal to minus x square, x से डिवाइड कर दिया बच्चे तो ऐसा आएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, e का पावर माइनस लॉग एक्स, दैट इज वन बाई एक्स, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, जेड हमने माना था वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू यहां से माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा, कर पास कर रहा 1,1 से तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो कर्व हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 हो गया, ये कर्व आ जाएगा बच्चे, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी बच्चे, जो कहां से पास कर रहा, सॉरी उसका सेंटर 1,0 है, रेडियस 1 है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें? No, तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम होते हैं बच्चे ज्योमेट्रिकल वाले, जिसको आप कर सकते हो, तो आप घर में एक अच्छा क्वेश्चन है इसको ट्राई करके देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम की,
इसमें जो सबसे बेसिक बात है वो ध्यान में रखना है, किसी में जो चेंज है, जैसे मान लो ऐसे समझो कि एट टी इक्वल टू जीरो इनिशियली कोई अमाउंट था, कोई भी अमाउंट था, मान लो एक्स नॉट अमाउंट था, एट टाइम टी, जैसे फिजिक्स में आप करते हो उसी तरह का चीज है, टी इक्वल टू जीरो पे कुछ अमाउंट था, समय के साथ या तो अमाउंट बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। किसी टाइम टी में ये अमाउंट एक्स हो गया, हो सकता है ये कम हो गया हो सकता है ज्यादा हो गया होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा। कहेगा इसमें जो चेंज है, चेंज मतलब dx by dt, चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू t, ये अगर प्रेजेंट वैल्यू के प्रोपोर्शनल है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, चेंज जो है प्रेजेंट वैल्यू के प्रोपोर्शनल है तो कैसा इक्वेशन बनेगा, कैसा कर्व बनेगा, जरा ये देख लो। ये भी ध्यान रखना, इसको आप लिखते हो dx by dt इज इक्वल टू kx, अगर अमाउंट इंक्रीज करेगा तो k की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अमाउंट डिक्रीज करेगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। जैसे रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, समय के साथ वो अमाउंट कम होता है ना, लेकिन हमेशा जो रेट ऑफ डिके होता है उसमें वो प्रेजेंट वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है, यही सेम कॉन्सेप्ट। तो यहां से dx by x k dt आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो log x हो गया kt plus c हो गया, t equal to zero पे x था x naught, तो c की वैल्यू ऐसा हो गया, तो log x equal to kt plus c की जगह ये आ गया, तो log x by x naught kt के बराबर हो गया, तो x बाई एक्स नॉट हो गया e का पावर के टी, तो x हो गया एक्स नॉट e का पावर के टी हो गया। बच्चे किसी में भी चेंज अगर प्रेजेंट वैल्यू के प्रोपोर्शनल हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि वो कर्व ऐसा होगा, वो इसको फॉलो करेगा, है ना। याद रखना अमाउंट अगर बढ़ता है तो k की वैल्यू पॉजिटिव, अमाउंट कम होता है तो k की वैल्यू निगेटिव। जैसे रेडियो एक्टिविटी में शायद हमारे हिसाब से आता है n इज इक्वल टू एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसे आता है ना, बोलो। यस सर। एन नॉट होता है इनिशियल अमाउंट, n होता है एट टाइम t होता है, माइनस लैम्डा का मतलब डीके हो रहा है, अमाउंट कम हो रहा है, तो यही कहते हो, है ना। कोई कुछ बोल नहीं रहा सर। यही कहते हो ना कि जितने समय के बाद अमाउंट आधा हो जाए उसको क्या बोलते हो आप, हाफ लाइफ। बोलो, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना आता है वो, 0.693 बाई लैम्डा, लैम्डा आता है। जब n n नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा तो जो t निकालते हो उसी को आप कहते हो हाफ लाइफ पीरियड, तो ऐसा कुछ आता है। लेकिन ये यहीं पे फॉलो करता है, इसी रूल को फॉलो करता है। बच्चे किसी में चेंज अगर प्रेजेंट वैल्यू के प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन में। वर्ड प्रॉब्लम का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 है, 7 है, इसको आप बना सकते हो।
ठीक है। और इसी से रिलेटेड बी सेक्शन में भी है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम, 16 नंबर है, 17 नंबर है, 18 नंबर है, ठीक है, 15 नंबर है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए बी सेक्शन में नोट कर सकते हो 15, 16, 17, 18। जैसे मान लो एक वर्ड प्रॉब्लम हम लेते हैं बच्चे 18 नंबर, आपको ट्राई करना है 15, 16, 17, हम 18 लेके चल रहे हैं। कह रहे लेट पॉपुलेशन ऑफ रेबिट्स सर्वाइविंग एट टाइम टी बी गवर्न्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है, लेट पॉपुलेशन ऑफ रेबिट सर्वाइविंग एट टाइम टी बी गवर्न्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस पी जीरो पे 100 दिया हुआ है, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे पॉपुलेशन ऑफ रेबिट्स बाय 100, और टी टाइम पे जो सरवाइव करेगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला दिया हुआ है। तो पॉपुलेशन ऑफ रेबिट्स एंड टाइम टी इक्वल टू पूछा गया है, तो पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है बच्चे, ये इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में है, माइनस हाफ पी टी इज इक्वल टू माइनस 200 है। बोलो बच्चे, या तो इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी कर सकते हो या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। देखो ये फंक्शन है, इसका ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, और ये पी का रोल प्ले कर रहा है, ये क्यू का रोल प्ले कर रहा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, ये एक्चुअली पी डैश टी है ना, पी डैश टी इक्वल टू ऐसे करके दिया हुआ, तो नीचे लाके भी आप वर्क कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। चलो लीनियर से बना देते हैं बच्चे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस हाफ, और ये t है तो ये dt आएगा, तो e का पावर माइनस t by 2 आ गया बच्चे। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा pt into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt आ जाएगा, और पी टी ई का पावर माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू ये माइनस 200 है, इसका जब इंटीग्रल करोगे तो ई का पावर माइनस टी बाई टू, और टी के कोफिशियंट से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस सी आ जाएगा। तो पी टी ई का पावर माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 400 आया, ई का पावर माइनस टी बाई टू प्लस सी आया। सी निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है टी इक्वल टू जीरो पे पॉपुलेशन ऑफ रेबिट्स वाज 100, ई का पावर जीरो हो गया, तो सी की वैल्यू माइनस 300 आ गई बच्चे। तो पी टी ई का पावर माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू 400 ई का पावर माइनस टी बाई टू माइनस 300 हो गया। तो पॉपुलेशन आ जाएगा जब डिवाइड करोगे तो 400 माइनस 300 ई का पावर टी बाई टू, 400 माइनस 300 इतना हो जाएगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। यस सर। तो इसे आपको ट्राई कर लेना है 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, ये वर्ड प्रॉब्लम है, आसान है, आप इसको कर सकते हो। एडवांस के हिसाब से
हालांकि आप इसको फिजिक्स की तरह देख सकते हो, एक राइट सर्कुलर कोन का है और एक हेमी स्फेरिकल का है। हम दोनों का आइडिया देते हैं आपको। राइट सर्कुलर कोन है विथ रेडियस आर, हाइट एच, कंटेन्स ए लिक्विड विच इवोपरेट्स एट द रेट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के दिया हुआ, पॉजिटिव। फाइंड द टाइम आफ्टर विच कोन इज एम्प्टी। ये ऐसे कोन है बच्चे, इसकी रेडियस आर दी हुई है और इसकी हाइट एच दी हुई है। इसमें लिक्विड भरा हुआ था और ये इवोपरेट कर रहा है। इवोपरेट कर रहा मतलब इसमें से लिक्विड निकल रहे हैं। और ये दिया हुआ है विच इवोपरेट्स एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। मान लो टी टाइम के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि लिक्विड इसमें इतना बचता है टी टाइम के बाद, एट एनी टाइम टी, एट टाइम टी ये वाली पोजीशन है, तो इस समय कुछ इसकी रेडियस होगी, कुछ हाइट होगी, है ना। अब रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डीवी बाई डीटी, वॉल्यूम में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कह रहा कि डीवी बाई डीटी जो है चेंज इन वॉल्यूम, ये प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। तो जो ऐसा है इसका जो सरफेस एरिया, यही वाला एरिया है जो एयर के कॉन्टेक्ट में है, तो इसका एरिया कितना होगा। मान लो इसकी रेडियस अभी हम स्मॉल आर मान लेते हैं, तो ये प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट विथ एयर। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। और डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमको माइनस के लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है लिक्विड इवोपरेट कर रहा है यानी वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ओवरऑल निगेटिव होना चाहिए। क्वेश्चन में प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट पॉजिटिव दिया है तो हमको आगे माइनस लगाना पड़ेगा। इस समय हाइट मान लो स्मॉल एच है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा 1/3 πr² एच होता है, हाँ या ना, बोलो बच्चे। यस सर। अब आर एच में क्या रिलेशन है जरा हमको ये भी देखना पड़ेगा। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप लिख सकते हैं स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। तो ये हो गया 1/3 πr² एच की जगह स्मॉल आर कैपिटल एच बाई कैपिटल आर लिख दो, ताकि ये आ गया 1/3 πhr, ये कांस्टेंट हो जाए और यहाँ पे आर क्यू आ जाए। तो आप डीवी बाई डीटी निकाल सकते हो यहां से, ये तो कांस्टेंट है पाई एच बाई थ्री आर, टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3r² dr/dt आएगा। ये समझ रहे हो? यस सर। अब डीवी बाई डीटी की जगह हमने लिख दिया पाई एच बाई थ्री आर, 3r² dr/dt, यहां माइनस के पाई आर स्क्वायर है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हुआ, ये पाई और पाई कैंसिल होगा,
ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा बच्चे, तो हमारे पास यहां बच गया एच आर डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी बच गया। बोलो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चे। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितने टाइम के बाद कौन खाली हो जाएगा, कौन खाली हो जाएगा, तो ये स्मॉल आर जीरो के बराबर हो जाएगा। इनिशियली जो था शुरुआत में ये पूरा फिल था, उस समय रेडियस कैपिटल आर थी, तो आप इसको डेफिनेट के फॉर्म में भी कर सकते हो, इनडेफिनेट में भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। टी जब जीरो था उस समय रेडियस कैपिटल आर थी, मान लो टी टाइम के बाद ये खाली हो जाता है, कैपिटल टी टाइम के बाद ये खाली हो जाता है, तो उस समय रेडियस जीरो हो जाएगी। ये समझ में आया? यस सर। तो ये आ गया एच बाई आर, इसका आ गया आर, लिमिट रखोगे तो जीरो माइनस आर माइनस के टी आ गया, तो टी की वैल्यू हो गई एच बाई के। इतने टाइम के बाद, आफ्टर दिस मच टाइम, आफ्टर टी इक्वल टू एच बाई के, कौन बिकम्स एम्प्टी, खाली हो जाएगी। हालांकि यहां डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ज्यादा नहीं है, बस मैथमेटिकली ये लिखना है, जैसे आप फिजिक्स में लिखते हो ना टी टाइम में इतना है उसके बाद वर्क कर, तो इसी तरह का चीज है ये। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। आप इसमें दो क्वेश्चन अपने से ट्राई कर सकते हो, दोनों अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एडवांस लेवल का है, सेवंथ नंबर और एट्थ नंबर। हम एट्थ नंबर का थोड़ा सा आइडिया देते हैं ताकि आप वर्क कर पाओ। एक हेमी स्फेरिकल टैंक है जिसकी रेडियस 2 मीटर, इज इनिशियली फुल ऑफ वाटर। वहां पे कौन था? यहाँ पे हेमी स्फीयर है, वो फुल ऑफ वाटर है, एंड हैज आउटलेट ऑफ, वहां निकालने के लिए इवोपरेट कर रहा था और यहाँ पे निकालने के लिए एक आउटलेट दिया गया है जिसका 12 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया एट द बॉटम है। द आउटलेट इज ओपेंड एट सम इंस्टेंट, ऐसे करके है। ये हेमी स्फीयर है बच्चे, इसकी रेडियस हमको पता है, रेडियस 2 दी हुई है। यहां पे एक आउटलेट बना हुआ है जिसका एरिया जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और रेडियस यहाँ पे ये मीटर में दिया हुआ है। ये देखना डायमेंशन अलग अलग है, 2 मीटर है ये, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। द फ्लो थ्रू वाटर, इसमें तो वाटर फिल था, यहाँ पे इवोपरेट कराने की जगह इसको खोल दिया गया, खोल दिया गया तो इसमें से वाटर फ्लो करेगा। तो फ्लो थ्रू द वाटर इज अकॉर्डिंग टू लॉ VT इज इक्वल टू 0.6 रूट अंडर 2GHT, वेयर VT और HT को डिफाइन किया गया, यह है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, है थ्रू द आउटलेट, और HT है हाइट ऑफ वाटर लेवल एबव द आउटलेट एट टाइम टी। आउटलेट के ऊपर जो हाइट ऑफ वाटर है वो ये वाला है, हाइट ऑफ वाटर लेवल
above the outlet at time t. G's acceleration due to gravity है, तो find the time it takes to empty the tank. यहाँ पे इसको खाली करना है, वहां पे किसको खाली करना था, कौन को, ठीक है. हिंट में दिया हुआ है, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिलेटिंग द डिक्रीज ऑफ वाटर लेवल टू द आउटफ्लो. ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो है बच्चे, वेलोसिटी को जनरली कैसे लिखते हो, डायमेंशन उसका मीटर पर सेकेंड ना, और इसमें इस एरिया से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, मतलब वेलोसिटी ये वॉल्यूम पर सेकेंड, डिक्रीज इन वॉल्यूम पर सेकेंड होगा. तो एक काम करो, इसमें सपोज करो टी टाइम में जो इसकी हाइट है वो डिक्रीज कर गई और ऐसा बन गया, ठीक है बच्चे. अच्छा ये बताओ, इतना डिक्रीज किया तो ये जो वाटर का इतना वॉल्यूम कम हो गया वो यहां से निकल गया, हाँ या ना. बोलो बच्चे, अरुण. यस सर. समझ रहे हो? यस सर. तो यहां पे आपको क्या करना है, जैसे टी टाइम में वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया हुआ है, इसमें एरिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कितना वॉल्यूम पर सेकेंड निकल गया. टी टाइम में इतना डिक्रीज हुआ है, मान लो टाइम टी में इतना डिक्रीज हो गया तो कितना वॉल्यूम निकल गया वो देखना पड़ेगा आपको. बोलो बच्चे. यस सर. इस समय सब चीज आपको निकालना, मान लो कि ये वाला हाइट है, यहां पे ये दो टू है, मान लो इस समय रेडियस आर है, ये वाला जो है ये भी आपका रेडियस ही है, टू ही है, ये अगर आर है और ये एच है तो आप इसको रिलेट कर सकते हो. तो इसको रिलेट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ. अगर क्वेश्चन बैंक है तो सॉल्यूशन निकाल लो जरा एक बार, वहां हम समझा देते हैं मैथमेटिकली. क्वेश्चन बैंक निकालो सारे बच्चे. निकाल लिए? यस सर. ये टू दिया हुआ है, ये भी टू आपका है, इसकी रेडियस आर मानी हुई है, ये टोटल कितना था, मान लो यहां से जो इसका लेवल है ये आपका टू दिया हुआ था, मान लो एवब द हाइट जो है एच टी, एच दो दिया हुआ है, हाइट ऑफ वाटर लेवल एवब द ग्राउंड एट टाइम टी, तो टी टाइम में मान लो कि ये वाला हाइट है इसकी एच, जिसका नाम एच टी दिया हुआ है,
चाहो तो एच टी लिख लो, किसी टाइम टी में ये वाली पोजीशन है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक रेडियस टू है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये वाला, ये टू माइनस एच टी हो जाएगा। अभी एच टी को एच ही मान के चलते हैं भाई, लिखते समय ध्यान रखना, ये हमारा एच है तो ये वाला टू माइनस एच हो गया, ये इससे स्मॉल आर निकल जाएगा क्योंकि ये भी कैपिटल, ये वाला टू है आपका तो आर निकल जाएगा। यस सर, ठीक है। अब सपोज करो ये हाइट एच थी, ये टी टाइम में है, तो थोड़ा सा स्मॉल टाइम आपने दिया, थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा तो इसका वाटर लेवल और कम होगा। बोलो बच्चे। यस। मान लो इसका वाटर लेवल जो आ गया वो डिक्रीज हो गया डीएच से, ठीक है, कितने से डिक्रीज हो गया, डीएच से। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसको डीएच से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम निकल गया। बात समझ में आ रही है भाई, टी टाइम में ये वाला था और डीटी टाइम में ये थोड़ा नीचे आया, डीएच नीचे आया, तो चेंज इन वॉल्यूम जो हुआ डीवी, देखो चेंज इन वॉल्यूम, ये मॉड लिखा ला क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव लेना चाह रहा है, पाई आर स्क्वायर डीएच हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डीएच से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम है कितना वॉल्यूम है वो पता चल गया। तो डीवी बाई डी टी चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये पाई आर स्क्वायर डीएच बाई डी टी होगा। ये समझ में आ रहा? Yes, sir. अब यहां पे आगे में माइनस साइन लगाया है, क्यों लगाया है, आर डिक्रीज हो रहा ना टी के साथ। बोलो। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये जो हाइट है यहां से यहां तक ये डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए आगे माइनस लगा दिया गया। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है यहां पे, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको निकल जाएगा, क्या निकलेगा, वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब डीवी बाई डी टी निकल जाएगा। ये समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। तो यहां पे डीवी बाई डी टी का मतलब है, अच्छा ये ध्यान रखना, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं है, वॉल्यूम है, ध्यान रखना। इस वाले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाद में हम रख देंगे, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात बन जाएगी। ये 0.6 टू जी एच इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 12 को कितने से डिवाइड कर दें ताकि ये आ जाए मीटर क्यूब पर सेकेंड में। बोलो। 100 × 100 कर दें तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा बच्चे। अब इसी वाले फंक्शन को आपको टी के रेस्पेक्ट में करना है तो इधर करो और आर को भी चेंज कर दो, आर को चेंज कर देना टू और एच के टर्म में। समझ में आ रही है बात? प्रीतम। यस सर। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायमेंशन वाइज देखो तो मीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है ना। यस सर। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम निकल रहा, मतलब डीबी बाई डी टी आ रहा है ना। यस सर।
हाँ तो डीबी बाई डी टी, तो डीबी बाई डी टी को आप इसके बराबर करोगे ना? यस सर। तो डीबी बाई डी टी को इसके बराबर करो और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। बस याद रखना कि स्मॉल आर को चेंज कर देना टू और एच के टर्म में। यस सर। में और फिर yes, आप sir. इंटीग्रेट कर देना। बस ये ध्यान रखना कि इनिशियल टी जीरो था, जब खाली होगा तो टी टाइम मान लेना। तो इनिशियली जो है, अगर मान लो आप हाइट के टर्म में करते हो एच के टर्म में, तो इनिशियल हाइट टू थी और बाद में वो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो उससे आप बना सकते हो। समझे? यस सर। तो इसको आप ट्राई करके देखिएगा, ये और इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम से है। क्लियर? इधर दो तीन साल से आ नहीं रहे, पहले ये खूब आते थे, तो हमारा मन कर रहा है कि इस बार आएगा। ओके छोड़ रहे हैं क्लास।